जी धन्यवाद। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर मैं टॉस जीतता तो भी मैं बैट फर्स्ट करता, क्योंकि हम लोग के पास अच्छे अच्छे गेंदबाज हैं और कोशिश रहेगा कि 200 से 250 रन हम लोग स्कोर करें 20 ओवर में और अगेंस्ट इसको एक बड़ा लक्ष्य दे। गेम जिद्दी का है बस, जो ज्यादा जिद्दी है वो निकल जाएगा। लगे रहना और मैं लगे रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज कमेंट्री भी कर रहे थे और आपकी बल्लेबाजी से एक शेर भी मार रहे थे। बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों और इलादे हैं फौलादी, हिम्मती हर कदम अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। वो जो शॉट खेलते हो तुम, जो वापस लाते हो वो कहाँ से? उसको मैं स्नैक शॉट बोलता हूँ, जब स्नैक बंदे को खाते ना तो वापस हो जाता, तो मेरा डंक मार रहे हो। जीत गए बिट्टू ने बेहतरीन बल्लेबाजी की, मात्र 11 और 12 या 12 गेंदों में 46 रनों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, जिसकी वजह से हमारी टीम का स्कोर ऑलमोस्ट 200 हो पाया और हम लोग ये मैच जीत गए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस अभी मैं कटिहार आया हुआ हूँ और अभी मैं होटल पे रुका हुआ हूँ, बिल्कुल आप देख सकते हैं पीछे। और इस साइड मैं आपको मिलाना चाहूंगा रवीश राणा, जिन्होंने की कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज सब हुए थे, तो सारा ट्रॉफी लेके आए हैं ये, आप देख सकते हैं इनका ट्रॉफी वहाँ रखा हुआ है, सारा ट्रॉफी लेके आए। और आज कटिहार में गेरावारी जगह का नाम है, तो बिल्कुल वहाँ पे सेमीफाइनल का गेम है और बहुत ही मजेदार गेम होने वाला है गाइज। और अभी हम लोग का बैग बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे पैक है, बैग रेडी है, तो अभी हम लोग निकलेंगे ग्राउंड के लिए। उससे पहले मैं बता दूं गाइज कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। और आप देख सकते हैं अभी बालकोनी गाइज, ये यहाँ पे जैसे शादी वगैरह जहाँ पे होता है तो उसी जगह पे मैं, उसी होटल टाइप में मैं वहाँ पे रुका हुआ हूँ। तो अभी निकलते हैं हम लोग बाहर ग्राउंड के लिए। और गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं थाना, बिल्कुल आज हम लोग जिस टीम से खेल रहे हैं वो प्रशासन का टीम है और बिल्कुल इसी थाने के तरफ से हम लोग खेल रहे हैं। जितना 11 लड़का है सभी का सभी बाहर है, मतलब बाहर का प्लेयर है और थाने के नाम से हम लोग खेल रहे हैं और जस्ट थाना के सामने मैच चल रहा है। जी धन्यवाद। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर मैं टॉस जीतता तो भी मैं बैट फर्स्ट करता, क्योंकि हम लोग के पास अच्छे अच्छे गेंदबाज हैं और कोशिश रहेगा कि 200 से 250 रन हम लोग स्कोर करें 20 ओवर में और अगेंस्ट इसको एक बड़ा लक्ष्य दे ताकि हम लोग ये मैच जीत सके। धन्यवाद। तो फाइनली गाइस मैं ग्राउंड आ चुका हूँ और मैं बता दूं कि टॉस हो चुका है, टॉस ऐसे अगेंस्ट टीम ने जीता है और पहले हम लोग को बल्लेबाजी करने का निर्णय दिया है, मतलब कि हम लोग बैटिंग करें और बिल्कुल आज के कैप्टन मैं ही हूँ टीम का और काफी अच्छा रहेगा, 20 ओवर का गेम रहेगा, तो देखते हैं कि 20 ओवर में हम लोग कितना स्कोर बना पाते हैं और अगेंस्ट टीम को कितना बड़ा लक्ष्य दे पाते हैं। आते ही उड़ाया ये बिट्टा के मेरा अड्डा, ये बिट्टा के मेरा अड्डा। गेम जिद्दी का है बस, जो ज्यादा जिद्दी है वो निकल जाएगा। लगे रहना और मैं लगे रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं। वो जो
शॉट खेलते हो तुम जो वापस लाते हो वो कहाँ से? उसको मैं स्नैक शॉट बोलता हूँ, जब स्नैक बंदे को खाता ना तो वापस हो जाता, तो मेरा डर मार रहे हो। अगर जिंदगी खेल है ना तो हम भी खिलाड़ी हैं। अब ये किस प्रकार का शॉट है, इसको अद्भुत की कैटेगरी में फाइल कर दीजिए। तो फाइनली गाइस बैटिंग हो चुका है खत्म, और मैं बता दूं कि टोटल स्कोर 195 रन 20 ओवर में, और अब अगेंस्ट टीम को जीत के लिए चाहिए 196, और सभी फील्डिंग में आ चुके हैं, और बल्लेबाजी बहुत अच्छी रही, मैंने बहुत अच्छा बैटिंग किया और राहुल हेलीकॉप्टर ने बहुत अच्छा बैटिंग किया बिल्कुल। तो अभी देखते हैं कि अगेंस्ट टीम चेंज कर पाती है या नहीं। अगेंस्ट टीम में भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, बिहारी भैया हैं, बादल भैया हैं जो कि भागलपुर से चल के आए हैं, तो देखते हैं वो लोग चेंज कर पाते हैं या नहीं। तो मैच स्टार्ट करते हैं। और ये अच्छी बॉल हो चुकी है यहाँ पर देख के कर बल्लेबाज से कोई जो के नहीं रहता था या भागे से कर गया राइट आया बहुत दूर के और ये अच्छी बॉल थोड़ी देर के लिए अपील जब से भी इच्छा ये अच्छी बॉल हो चुकी है मस्तन भाव से चाने है कि अभी चेक ऊपर के दस्ता मार से कोई नहीं कोई कतरा नहीं तो वही का वही रुका हुआ। शुरू में अगर आपके पास विकेट बचा रहेगा तो जरूर बाद में आपको एक बड़ा शॉट देखने को मिलेगा, बड़ा प्रहार देखने को मिलेगा। जी हां सिक्सर, अगर आपके पास विकेट हो तो फिर से कभी क्या गजब की गेंद यहां पर बल्लेबाजों को यहां पर चकमा देने में कामयाब हुए गेंदबाज रवि कुमार। ये देखिए भाई तो फाइनली गाइस हम लोग ये मैच जीत गए, और यहाँ मिले रवि भैया जो कि अच्छी गेंदबाजी किए। और रविया कैसा रहा आज का मैच? बहुत ही शानदार मैच रहा, सेमीफाइनल था गेराबाड़ी में, काफी अच्छा टूर्नामेंट है, विनर टीम को 65,000 रुपया है, तो हम लोग मैच जीत गए। बिट्टू ने बेहतरीन बल्लेबाजी की, मात्र 11 और 12 या 12 गेंदों में 46 रनों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, जिसकी वजह से हमारी टीम का स्कोर ऑलमोस्ट 200 हो पाया और हम लोग ये मैच जीत गए। और यहाँ पे हमारे कुछ सब्सक्राइबर है यहाँ पे, क्या मजा आया देखने में? बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, और आपका नो लुक शॉट का बहुत फैन है भैया हम, और आज कमेंट्री भी कर रहे थे और आपकी बल्लेबाजी से एक शेर भी मार रहे थे। बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों और, इलादे हैं फौलादी हिम्मती हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। अरे थैंक यू सो मच। हाय गाइस, कैसा लगा मैच आपको? बहुत मस्त, और आपके बहुत बड़े फैन है हम, और हमारा एक यूट्यूब चैनल है दर्शकों, अपना बिहार न्यूज और कोसी न्यूज, लाइक करें सब्सक्राइब करें। और मैच जीतने के बाद गाइस अभी हम लोग आए हैं फिर से थाना, आप देख सकते हैं अभी जो यहाँ पे बड़े बाबू थे मतलब दरोगा साहब, तो उन्हीं का ये मैच था और अभी हम लोग सब जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए। और यहाँ पे आज के मैन ऑफ द मैच राहुल, कैसा रहा मैच? मैच बहुत अच्छा रहा, और गाइस बैटिंग बहुत ही लाजवाब जबरदस्त, आपका बैटिंग भी बहुत अच्छा रहा है। अरे थैंक यू, और कल का क्या प्लान रहेगा? कल का फाइनल है, कल देखेंगे। और अभी हम लोग सब अंदर आ चुके हैं। ओए, जेल जाना है क्या?
जेल जाना है क्या? तो फाइनली गाइस मैं रूम पे आ चुका हूँ और आप देख सकते हैं कि इधर हमारी टीम के प्लेयर रवीश राणा बिल्कुल सो रहे हैं और इधर और भी है हमारी टीम के प्लेयर लोग। और गाइस मैं बता दूं कि सेमीफाइनल हम लोग ने जीता और आज यहीं पे होटल पे हम लोग रुके हुए हैं। और इधर मिले सुनील भैया, सुनील ना, सुनील भैया जो कि बिहार पुलिस में है और इन्हीं का टीम है और हम लोग आए हैं सब इन्हीं के साथ खेलने के लिए। तो कैसा रहा आज का? आज का मैच बहुत अच्छा रहा जिसमें बिट्टू भैया ने बहुत ही शानदार बैटिंग करते हुए 14 बॉल में 46 रन मारे जिसमें 5 ब्लाइंड शॉट लगाए जो खतरनाक लगे। और राहुल हेलीकॉप्टर भी बहुत अच्छे शॉट मारे, दोनों की बदौलत 194 रन का लक्ष्य मिला था सेमीफाइनल में मुकेश इलेवन टीम को, जो मुकेश इलेवन टीम ने मात्र 129 रन पे ही ऑल आउट हो गई। और बिट्टू भैया बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है और मस्त ब्लाइंड शॉट मारते हैं, इसी का फैन है। और हम लोग सब आ चुके हैं अभी खाना खाने के लिए, मैं रवीश भैया है, राहुल हेलीकॉप्टर है और इस साइड सभी प्लेयर बैठे हुए हैं। तभी हम लोग खाना फिनिश करते हैं और फिर निकलते हैं रूम पे। फाइनली खाना पीना तो हो चुका है गाइस खत्म और मैं फिर से आ गया हूँ अपना होटल पे, आप देख सकते हैं पीछे। तो बिल्कुल अभी मैं बालकनी में खड़ा हूँ और अभी मैं चला वीडियो एडिटिंग करने के लिए। और आज का मैच तो बहुत ही ज़बरदस्त था, बिल्कुल बहुत ही मज़ा आया और फाइनल का ब्लॉग बहुत जल्द आप लोग के पास आएगा। और मैं बता दूं कि फाइनल कल है, कल मैं पहले फाइनल खेलता हूं उसके बाद उसका ब्लॉग आएगा। फिलहाल मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।